इस बार जरा आराम से खेलना बेटा, जल्दी मत तोड़ देना इसे, समझ गए ना? ठीक है। गए तो हर बार देते हो। एक्शन बूस्टर को तैयार कर लिया गया है। एनर्जी चार्ज स्टार। 40%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 60%। 80%। एनर्जी चार्ज 100%। ये सेट हो गया, क्या तुम तैयार हो? एक्शन। डैड प्लीज इसे जल्दी से फेंक दीजिए। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? माना कि मेरे पैर थोड़े से बदबूदार हैं, लेकिन मेरे नाखूनों में से थोड़ा ही बदबू आती है जरा भी। एक्शन बूस्टर चलाओ। एक्शन चलाओ। अरे एक्शन का मीन, तुम ठीक तो हो ना शिनचान? ये कैसी आवाज थी? हाँ, ये क्या हुआ? वो बात ये है मॉम, डैड मेरे एक्शन कमीन पर गिर गए थे, उसे चोट आई है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा पैर बस थोड़ा टेबल से टकरा गया था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ मुझे मिस्सी। जी हाँ, ये देखिए, क्या आपको आपकी हड्डी में क्रैक नजर आ रहा है? जी हाँ, फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर करना। डैड आपका पैर तो इजिप्ट की मम्मी जैसा है। आपको इस प्लास्टर का थोड़ा ध्यान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आराम से। डॉक्टर आप हमें सच सच बताइए, ये पैर ठीक तो हो जाएगा ना? सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आप ये क्या कह रहे हैं? आपका मतलब है ये उड़ नहीं पाएगा? कोशिश करते हैं, शायद ये काम कर जाए। ये लो, इसका ख्याल रखना। ये तो कमाल है। एक्शन ब्लास्टर। बेटा ब्लास्टर नहीं होता, प्लास्टर होता है। आगे से गलत मत बोलना। डैड अब तो आप ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं ना? बहुत काम है बेटा, नहीं ले सकता। शिनचान चलो शॉपिंग करनी है, और तुम जरा घर का ख्याल रखना। ठीक है। क्या आपको यकीन है आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं? नहीं है बेटा। आप चाहेंगे तो मैं घर में आपके साथ रुक सकता हूँ। नहीं, के साथ मत रुको बेटा, जाओ। बाय बाय, मैं चलती हूँ। बाय बाय। चलो चले गए, अब मैं क्रच के साथ प्रैक्टिस कर लूंगा थोड़ी। पहले टॉयलेट हो आता हूँ, इससे टॉयलेट जाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो किसी तरह क्रचेस के साथ टॉयलेट में आ तो गया। टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। ये मिस्सी भी ध्यान नहीं रखती है, अब क्या करूंगा मैं? पता नहीं कहाँ रखा होगा मिस्सी ने टॉयलेट पेपर, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया टॉयलेट पेपर? अरे टॉयलेट पेपर कहाँ है? ढूंढ कर रहूंगा आज मैं टॉयलेट पेपर, पर पता नहीं कितनी देर में मिलेगा। मुझे लगता था यहाँ होगा टॉयलेट। क्यों करती है मिस्सी इस तरह के काम? क्या बात है डैड? तुम अभी ये बात नहीं समझोगे बेटा। तुम कैसे आ गए यहाँ पर? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी डैड, तो मैं आपका ख्याल रखने वापस आ गया। शिनचान बेटा, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, पर सच बोलो वापस क्यों आ गए हो? और मैं चाहता था कि एक्शन कमीन का जो प्रोग्राम है वो आप लिए रिकॉर्ड कर लूं। पता था कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा जरा सुनो, मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ बेटा। कंधे पर चढ़कर जरा मेरी मदद कर दो बेटा। हाँ जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा। चलो देखते हैं, थोड़ा लेफ्ट की तरफ लीजिए ना। चलो देखें। बेटा मुझे नहीं पता इसमें से क्या कुछ निकलेगा, जरा बताते रहना पहले। अच्छा ये बताइए, आप आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? टॉयलेट तक नहीं देखा था, शायद वही मिल जाए। आगे चलिए थोड़ा और आगे उस तरफ। अच्छा ठीक है, रुक जाइए यहीं पर।
शायद हमें एक्शन कामिन को बचाना होगा। नहीं शिनचैन, अभी ये सब नहीं करना। अभी मेरे पास इस सब का वक्त नहीं है बेटा, मुझे टॉयलेट पेपर ढूंढना है। टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर। अरे ये सब क्या पड़ा है, हटाना पड़ेगा मुझे ये सब। घर में कोई है? आपकी डिलीवरी आ गई है। अरे डिलीवरी को भी अभी आना था। डैड मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात करूँ प्लीज? बाद में बात नहीं करनी, मुझे अभी बताओ टॉयलेट पेपर कहाँ पर है। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? वो मैंने सोचा कि खाने के बाद ढूंढ कर दे दूंगा। बेटा पहले ढूंढना चाहिए ना तुम्हें। डिलीवरी ले लीजिए, पहले जाकर डिलीवरी लो, जल्दी जाओ। हाँ जी बताइए। टॉयलेट का रास्ता अब साफ है। उन्हें पैसे चाहिए। अरे पैसे भी इसी वक्त देने पड़ेंगे क्या? ये मॉम के लिए है। दादा ठीक तो है ना? सुनिए डैड। बोलो बेटा। हम खाना खाने के बाद एक्शन कमीन को एसी पर से निकाल लें। चुपचाप खाना खाओ। आज हम मिलेंगे मिस्टर पिलो से। हमारी दुकान पर आपको हमेशा ताजा और अच्छा सामान ही मिलेगा। और अब देखिए हमारा अगला कार्यक्रम, हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगा। आज तो हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं है। मेरा नाम है एग प्लांट। तुझे कोई और तकलीफ नहीं बची है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त आप लोग फ्री होंगे। मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। बनाने वाली हूँ, अगर आप करना चाहें। सुनो जरा, मैस्कोट कैसा रहेगा? वैसे तुम्हारा कहना तो ठीक है लेकिन। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, हम एक मैट्रेस शॉप है तो ऐसा कुछ। क्या रही हो? बस देखते जाओ। ये कितना अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो नहीं लगता। अगले दिन पता नहीं बच्चों को अच्छा भी लगेगा या नहीं। बहुत ही अच्छा, बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं। अच्छा लगता है क्या सच में? हाँ, वो देखो आ गए। तो आज हम क्या खेलेंगे? चलो आँख में चोली खेलें। क्या, क्या कहा? आँख में चोली नहीं, चलो क्वेश्चन पा भाई क्वेश्चन पा खेलें। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं चलो छुपन छुपाई ही खेल लेते हैं। चले गए। नहीं नहीं एक बच्चा रुक गया है। इतनी बड़ी चींटी। वाह भैया आपकी सर पे बाल की जगह तकिया है। ये मैस्कॉट है बेटा, तकिए नहीं कहते। तो ये बात है। मैं हूँ मिस्टर पिरो। तुम्हें ऐसी बातों पे हंसना नहीं चाहिए। शिनचैन अब चलो अभी। तुम्हें तकिए वाले भैया कैसे लगे? मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पहले बहुत देखे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे बच्चों रुको रुको रुको, सच में ये पिलो बहुत शानदार है। पिलो पिलो। लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल खास नहीं लगता। कुछ खास नहीं? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते। सही कहा। चलो चले। अरे रुको बच्चों कहीं मत जाओ। ठीक है अब बहुत हुआ, अब हमें वो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं मिस्टर पिलो एक्सरसाइज। तकिया ले लो लो तकिया, तकिया ले लो लो तकिया, सर के नीचे लो तकिया, लो मेरा तकिया, दे दो हमको तुम पैसे और सबको होगी खुशी, बड़ी खुशी। तकिए बेच कर हम जो पैसे भी कमाएंगे, कामयाब होकर हम सबको दिखाएंगे। ये क्या? अरे देखो ये बच्चे तो खेलने लगे। हाँ तुम सही कह रही हो। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तो ठीक है। बच्चों सुनो, क्या तुम में से कोई मिस्टर पिलो से एक सवाल पूछना चाहता है? क्या हमें इस पिलो पर डिस्काउंट मिलेगा? हाँ इस बारे में इस सवाल का जवाब मत देना, तुम्हें सिर्फ पिलो से जुड़े हुए सवाल ही करने हैं। अच्छा तो फिर मिस्टर पिलो क्या है इसके अंदर? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम ये मैट्रेस शॉप चलाते कैसे हो?
मैट्रेस हम बेड पर रखते हैं, ये एक गद्दा होता है जिसपे हम आराम कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। क्यों ना हम सब बैठकर राजा मंत्री जोर से पाई खेले। हाँ, अरे बच्चों रुको। तो बच्चों क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम मिस्टर पिलो को मशहूर कैसे करें? क्या मैं अब कुछ कहूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी। जी हम सीखने के लिए तैयार हैं। मैस्कॉट को मशहूर करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों को खुश करना पड़ता है। क्या कहा, बच्चों को खुश करना पड़ता है? सही सुना, आप जरा सुनिए। अगर आप देखें कि कोई बच्चा उदास बैठा हुआ है तो आप क्या करेंगे मिस्टर पिलो? आइए मिस्टर पिलो के साथ आराम फरमाइए। बिल्कुल बेकार। हाँ सच में बिल्कुल गलत जवाब दिया। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? आइए अपना सिर हमारे पिलो पर रखिए और थकान मिटाइए। अच्छा ऐसा कहना है कि आपको ये सब ठीक लग रहा है? मुझे लगता है थोड़ा और अच्छे से करने से कुछ फायदा होगा। चलो फिर जंप मारते हैं। होनी चाहिए एक्शन का मेन की तरह। अपने अंदर के जज्बे को जगा कर तैयार हो जाइए, आप ये कर सकते हैं। रुको, का सामना कीजिए। चलो अब सब रुक जाओ। तुम खड़े हो, इतनी जल्दी हार मान गए, तुम चाहते क्या हो? अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम अच्छे से उन्हें समझा ही नहीं पा रहे हो, तभी तो वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे। छोड़ो, तुम ही करके देख लो ना, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करके देख ली। तुम कोई भी काम सही से क्यों नहीं करते हो? बस बहुत हो गया। मैं इस मैट्रेस शॉप के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम पहले क्या कहा करते थे? हाँ, मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा और हर प्रॉफिट का 50% दूंगा। कुछ भी सच नहीं, मुझे इस मैट्रेस शॉप की मालकिन होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो सच में इस मैट्रेस शॉप की मालकिन है, लेकिन इसके काम को देखकर तो लगता है मेरी दुकान बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। मिस्टर पिल्लू और कोशिश कीजिए। क्या कहा, कोशिश? बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही जल्दी हार मान गया था, अब मैं फिर से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्या आपके अंदर अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है? फिलहाल तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपने हार मान ली, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपके पिलो बहुत पुराने हो चुके हैं? और हाँ, पुराने पिलो से बदबू भी आती है। बाहर से चाहे आप पिलो को कितने भी अच्छे कपड़े से कवर कर लें, लेकिन अंदर से तो आपका पिलो पुराना ही रहता है, और उसमें से आने वाली बदबू की अपने आप हटने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसीलिए एक बेहतर भविष्य के लिए नए पिलो की जरूरत होती है। हम आपको देंगे 2 पिलो के साथ 1 पिलो फ्री। आज हम डैड को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अरे अरे मिस्सी, जरा आराम से। फिक्र मत करो, मुझे आदत है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता मां? इसी बात का डर था मुझे। अच्छा अभी आराम से उतरो। जरा डिक्की से क्रच निकाल दो। प्लीज आप मुझे अपना हॉस्पिटल कार्ड दिखाइए। जी एक मिनट। अरे शिनचान, इधर उधर मत भागो, आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। वो मैं हॉस्पिटल कार्ड और इंश्योरेंस कार्ड लाना भूल ही गई। क्या कह रही हो मित्सी? मैं घर जाकर कार्ड लेकर आती हूँ, तब तक तुम इंतजार करो। मैं यहाँ पर अकेला रुकूंगा। शिनचान आप यहाँ रुकोगे? हेलो डॉक्टर दीदी। मैं अकेला ही रह लूंगा यहाँ मित्सी। मिस्टर नोहारा, तो आपका पैर कैसा है अब? डॉक्टर साहब अब दर्द तो नहीं है। डॉक्टर अंकल प्लीज देखिए ना मेरे एक्शन कामिन के हाथ को, क्या हुआ? अरे तुम तो मॉम के साथ गए थे ना बेटा, फिर यहाँ कैसे आ गए? एक दिन डैड उसके हाथ पर गलती से बैठ गए थे, देखिए तो इसे। तुम अपने खिलौने यहाँ वहाँ छोड़ देते हो और वो मेरे पैर के नीचे आ जाते हैं। ओ मामला गंभीर है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। माफ कीजिए डॉक्टर साहब। ये लो, ये ठीक हो गया। अरीजा, आप तो सच में कमाल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब मेरे बारे में भी बता देते तो। हाँ बताता हूँ, पहले आप अपना एक्सरे तो करा लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी टॉय कलेक्शन दिखाता हूँ, देखोगे ना? अरीजा मैं देखूंगा। चलिए आप इस पे आ जाइए। ठीक है।
आपको लेटना नहीं है, प्लीज आप उठ के बैठ जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस आपके पैर का एक्सरे ले रहा हूँ। फिक्र तो मुझे इस बात की है कि मेरा बेटा बाहर क्या कर रहा होगा। ये देखो तुम मेरा कलेक्शन, जानते हो इस कलेक्शन के लिए मुझे 40 साल लग गए। इतनी सारी एक्शन कामीन। मैंने एक्शन कामीन सीरीज को शुरू से लेकर अब तक कलेक्ट किया है, देखकर मजा आ गया। मिच्ची पता नहीं कहाँ रह गई है। मिस्टर नोहारा, आपकी वाइफ का फोन है, बात कर लीजिए। नंबर 3। जी शुक्रिया। हेलो मिच्ची। तुमने मोबाइल बंद क्यों किया है हिरोशी? क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बताओ क्या बात है। मुझे ना ही हॉस्पिटल कार्ड मिल रहा है, ना ही इंश्योरेंस कार्ड, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है? अरे मेरे पास ही है तो। ओ नहीं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माफ करना, मैं भूल गया था जरा। ये कौन सा है? इसका नाम है फ्रैक्चर कामीन। प्राइम मास्टर जोजो। हाँ, ये एक्शन कामीन से भी पुराना है, और हाँ ये मेरे बचपन का हीरो भी है। जरा सुनिए। कौन? डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में कुछ बताया क्या? अरे आपको तो मैंने देखा ही नहीं। जी हाँ शायद, और डॉक्टर साहब मेरे बेटे के साथ कहीं चले गए हैं। आपके बेटे के साथ? तो जरूर वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर खेल रहे होंगे। क्या कर रही हैं आप? एक बार अगर वो फर्स्ट फ्लोर पर खेलने लग जाए तो वो आसानी से कभी नीचे नहीं आते। ऐसा है क्या? एक्शन कामीन, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? वो तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा, जीतूंगा तो मैं ही, चाहे कुछ भी हो। मैं हिरोशी। अरे तो डैड है। क्या बात है? बस यही कि एक बार मेरे पैर का अच्छे से चेकअप। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, आओ शिनचैन बेटा चलते हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया जगह है ये तो। अरे डैड आप तो बड़े हो गए हैं, इन खिलौनों को देखकर आप इतना खुश की हो गई, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? बेटा अरे कोई बात नहीं, आप उसे खेलने दीजिए, पता है बच्चों के खेलने से खिलौनों को भी खुशी होती है। क्या तुम तैयार हो? शिनचैन क्या कह दिया ये तुमने, चिंता मत करो, ये फ्रैक्चर कामीन के आर्म्स और लेग्स मैग्नेट से जुड़े हुए हैं, इसे खेलते वक्त आप आराम से उसे हटा या निकाल सकते हैं। ये निकल गया, ये लग गया। फ्रैक्चर कामीन एक ऐसा हीरो है जिसकी चाहे कोई भी हड्डी टूटे वो जल्दी ही जुड़ जाती है। ये तो मजेदार है। जानते हो मुझे बचपन में फ्रैक्चर कामीन बहुत पसंद था, और शायद यही वजह थी कि मुझे हड्डियों का डॉक्टर बनना पसंद आया। जी हाँ, हर चीज की वजह होती है। आप जरा इन सबको देखिए, मेरे खिलौनों का सबसे बड़ा कलेक्शन है। जी हाँ, मेरे पैर के बारे में तो बताइए। इसे देखिए, ये एक गोल्डन फ्रैक्चर कामीन है, 5 स्पेशल कार्ड्स वाला। और इसे देखिए, ये है फूड सीरीज फ्रैक्चर कामीन जिसके साथ चौको चिप फ्री था। वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ इस काम में मेरा बहुत ही खर्चा हुआ था। ये सब बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मेरे पैर के बारे में भी कुछ बता देते तो मजा। 20th मेमोरियल एनिवर्सरी का, जानते हो मैंने इसे ऑक्शन से 20 लाख रुपए में खरीदा था। अरे क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, एक फिगर तो क्रिस्टल ग्लास का बना हुआ है, देखिए ये रहा वो। कहाँ गया, कहाँ गया वो, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था। मैं हूँ फ्रैक्चर कामीन, क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? अरे ये टूट जाएगा, यहाँ लाओ। नहीं मैं इसे नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर साहब, देखो उसे छोड़ना मत, वो बहुत ही कीमती है। चिंता मत कीजिए।